आप लोगों ने वो गाना तो सुना होगा कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। लेकिन आज यहाँ पे ना मौसम काफ़ी ईमानदार है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं फ़िशिंग पे। आज के इस ब्लॉग में हम लोग फ़िशिंग करने वाले हैं। मैं यहाँ पे रियाज चाचू का वेट कर रहा हूँ, वो फ़िशिंग के काफ़ी एक्सपर्ट हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं वो। तो वो जैसे ही यहाँ पे आएंगे हम लोग जाएंगे फ़िशिंग पे। तो इस ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, आपको हम रिवर वाली साइड दिखाएंगे और इसके बाद हो सकता है कि हम कोई मछली पकड़ लें, तो लास्ट तक देखिएगा। तो रियाज चाचू यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अभी हम लोग जाएंगे डायरेक्ट रिवर वाली साइड पे। रास्ते में हमारे एक और चाचू हैं, करीम चाचू, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनको भी हम लेके जाएंगे फिशिंग पे। तो रिवर वाली साइड पे हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी यहाँ से एक थोड़ा मुश्किल रास्ता है, ये रास्ता हम क्रॉस करेंगे तो पहुंच जाएंगे रिवर वाली साइड पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कोई बीच है आगे तक। अभी फ़िलहाल हम ये जो कठिन जगह है ये क्रॉस करेंगे और फिर पहुँच जाएंगे। हमारे ये जो चाचू हैं, करीम चाचू, ये काफ़ी एक्सपर्ट हैं, तो देखते हैं ये मछली पकड़ पाते हैं कि नहीं। हम मछलियों को इतने प्रपोजल्स दे रहे हैं लेकिन कोई एक मछली भी हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो इस वक्त हम लोग सिंगल ही हैं। सेट लाइफ। अभी एक मछली हम लोग पकड़ने वाले थे लेकिन वो भी हाथ से निकल गई, लेकिन अभी लग रहा है मुझे कि पकड़ लेंगे हम लोग मछली। भाई कोशिश जारी है लेकिन अभी तक कोई एक भी मछली हमारे हाथ नहीं आई है। कोशिश में कामयाबी है, कोशिश करेंगे हम लोग जब तक हमारे पास एक मछली नहीं आ जाती। मुझे ना बस एक मछली पकड़नी है और वो आप लोगों को दिखानी है और बोलना है कि मैंने मछली पकड़ ली है, बस इतनी सी बात है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई मछली हमारे हाथ लग जाए, लेकिन तकरीबन एक घंटा होने वाला है, अभी तक कोई मछली हाथ नहीं आई। आज हमने कोई मछली तो नहीं पकड़ी, लेकिन इस खूबसूरत गांव में दरिया के किनारे बैठ के इस ताज़ी हवा को और इन खूबसूरत नज़ारों को बहुत इंजॉय किया। आज इस उम्मीद से जा रहे हैं कि अगली बार जब हम यहाँ पर आएँ तो कामयाब होकर वापस जाएँ।